गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बबल शोर। जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो क्या था हमारे पास? सिलेक्शन शोर। सिलेक्शन शोर का प्रिंसिपल क्या था कि जो आपको लिस्ट दी गई थी उसमें से हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो आपका लोवेस्ट टर्म है, यानी कि जो आपका सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है, उसको हमने सिलेक्ट किया और फर्स्ट पोजिशन पर ले आए थे। बट जो मेरे पास बबल शोर है उसका प्रिंसिपल बिल्कुल उससे डिफरेंट होगा। ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? ये काम करेगा अपने नियर बाय एलिमेंट्स पे, यानी कि अगर जो आपके नियर बाय एलिमेंट्स होंगे हमारे, अगर उसमें हमारे पास होगा कि एक एलिमेंट बहुत छोटा है और दूसरा उससे बड़ा है, तो हम उन दोनों की स्वैपिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 15, 16, 8, 6, 9, ये मैंने एक एरे लिस्ट ले लिया यहाँ पे, इसे मैंने नेम दे दिया है ए। क्लियर है मुझे? और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, ये सिर्फ इंडेक्स नंबर होता है। और ये पोजीशन क्या होगी मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। और ये मेरे पास क्या है कि इंडेक्स पोजीशन। तो बच्चे ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? अगर मेरे पास ये ए है तो ये ए पोजीशन को हम क्या देते हैं? आई से बिलोंग करते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है इफ ए आई, यानी कि नियर बाय नोड्स कौन से बनेंगे? 15 एंड 16। फिर इससे नेक्स्ट कौन से नियर बाय बनेंगे? 16 एंड 8। इस तरह से हमने क्या करना है, जो नियर बाय नोड्स होंगे उनको चेक करना है। ए i+1। अगर ये नोड्स इक्वल होती हैं, तो हम क्या करेंगे? नो स्वैपिंग। स्वैपिंग इज नॉट डन। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या होता है किसी भी शॉर्टिंग का, कि हमें जो एलिमेंट्स है उनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। और अगर मेरे पास नोड्स ऑलरेडी अरेंज है तो हम उनको दोबारा से अरेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर वो उससे ग्रेटर है या फिर उसमें कुछ भी है तो हम उसमें स्वैपिंग करेंगे। और ये आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। देखो बच्चे, इसमें क्या देगा? 15 एंड 16। तो हमारे पास फर्स्ट उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो कितना होगा? 15, 16, 8, 9, 8, 6, 9। अब उसके बाद नेक्स्ट नियर बाय कौन से बनेंगे? ये दो। अब इन दोनों को चेक करोगे, 8 क्या है? 16 से स्मॉलर है, तो ये क्या करेंगे? स्वैप करेंगे, यानी कि इनको एक्सचेंज कर देंगे। 15, 8, 16, 6 एंड 9। और साथ में आपने मेंशन कर रहे हैं पास 1, पास 2, फिर पास 3। और जिन भी आप नोट में स्वैपिंग करा रहे हैं वो आपने जरूर मेंशन करना है। अब इन दोनों के बाद फिर से 16 एंड 6, ये भी हमारे पास 6 स्मॉल है, तो 6 को आगे ले आओगे। 8, 6, 16 एंड 9, देन स्वैप बिटवीन 9 एंड 16, 15, 8, 6, 9 एंड 16। अब देखो बच्चे, यहाँ पे पास 4 हमने लिए हैं, 4 पासिस हैं, बट आपका जो है लास्ट हो चुका है, यानी कि हम लास्ट एलिमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं, बट स्टिल आपकी जो कंडीशन है, यानी कि जो आपकी सीरीज है, वो अभी भी हमारे पास एक सीक्वेंस में नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको जब तक ये सीक्वेंस में नहीं आएगी इसको दोबारा से पासिस अप्लाई करोगे, यानी हम लास्ट टर्म पे कर चुके थे, तो हम क्या करेंगे? फिर से शुरू से करोगे। कितना आ जाएगा ये? 8, 15, 6, 9, 16। दोनों का हो चुका है, किसका करोगे? 6, 8, 6, 15, 9, 16, देन 15 एंड 9, 8, 6, 9, 15, 16। फिर से हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुके हैं? सेकेंड राउंड भी खत्म हो गया, बट फिर भी क्या है, अभी भी मेरे पास जो दो एलिमेंट्स हैं वो अनसॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्वैपिंग 6, 8, 9, 15 एंड 16, दैट इज शॉर्टेड लिस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? आपने यहाँ पे पास जरूर मेंशन करने हैं, पास 5, पास 6, 7, पास 8, पास 9। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आपको बबल शॉर्ट का एग्जांपल करना है और इसका एल्गोरिथम करना है, वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी।